मैं संत वजनाराम महंत राम द्वारा आश्रम कुमारवाड़ा श्री, मेरा राम द्वारा आश्रम सिरोही का मैं संत हूँ। सारा पूरा पीठ मेरा दीक्षा स्थान है। जगत गुरु रामदयाल जी महाराज हमारे सबके आचार्य हैं। मैं 1 साल की उम्र में संत बना था। मेरे गुरुदेव रामकिशोर जी महाराज ने मुझे, जो हमारे गुरु माता थे राम कुंवर बैसा, उनकी गोद में मुझे गोद पुत्र के रूप में प्रदान किया। वहाँ से ही मेरा संन्यास जीवन प्रारंभ हुआ। बचपन में मैं संतों के सानिध्य में रहा, कभी हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी उज्जैन, अनेक जो संतों के स्थल है वहाँ रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा बचपन भी बड़ा अलग निकला। मुझे गाय का दूध पिलाया जाता था क्योंकि मैं 1 साल का था। फिर हमारे माताजी जो थे गुरु माता राम कुंवर बैसा, वो मुझे गाय का दूध पिलाते थे। तो एक बार उन्होंने ममतत्व जगा तो उनके भी दूध आ गया, तो मैंने 2 साल तक उनका दूध पिया। फिर मुझे संत लोग अपने पास में नहीं सुलाते थे, छोटा था तो मुझे बोरी का वो देते थे और बोरी के ऊपर मैं सोता था। धीरे धीरे संतों के साथ में बड़ा हुआ। 5 वर्ष की उम्र में मैंने विद्यालय में मेरा दाखिला हुआ और बाली के अंदर मैं पढ़ा। बाली के अंदर जब मैंने 6ठी कक्षा तक पढ़ाई की, फिर मेरे गुरुजी ने मुझे गुरु विद्या के बारे में बताया। फिर जो भी हमारे संतों की विद्याएं थी, गुरुवाणी हुआ, रामायण हुआ, भागवत हुआ, शिव पुराण हुआ, विष्णु पुराण हुआ, इन सब ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया। और उस ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद में शुरू से ही मेरे जीवन में एक इच्छा रहती थी कि मैं सेवा करूं। कभी कभी गौशाला चला जाता तो गायों को चारा दे देता। कभी विचार करता तो हमारे बाली का जोड़ बहुत बड़ा है, तो गायें चराने के लिए ग्वाला होता, मैं उसको कहता एक काम कर भाई, 2 घंटा तेरी गाय मैं चरा लेता हूँ। तो बाली के अंदर गायें चराई, तो गौ माताओं की सेवा का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कभी कभी जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो अपने कुत्तों के कुकरे होते थे, उनको भी दूध पिलाता था। कभी कभी गरीबों को भोजन भी मैं कराता था। ऐसे ऐसे सेवा कार्य चलता रहा। जगत गुरु रामदयाल जी महाराज के साथ में रहा, संप्रदाय का विकास किया, संप्रदाय के भी काम किए। उसके बाद में शराबबंदी अभियान की पूजा, छाबड़ा के साथ जुड़ा तो शराबबंदी का भी मैंने कार्य किया। उसके बाद में मैंने कई एनजीओ के अंदर काम किया। फिर मेरे को किसी ने कहा, महाराज जी आप संत हो, आप घुमंतु जातियों का काम करो। तो मैं घुमंतु जातियों के बीच में गया, उनका भी काम किया। घुमंतु जातियों को शिक्षा से जोड़ने का मैंने काम किया। मैंने उन जातियों को कहा कि आप आओ, साफ सुथरा रहना सीखो, आपसे कोई एलर्जी नहीं करता है, लेकिन आप गंदगी में रहते हो इसलिए लोग आपसे दूर रहते हैं। बाकी सन्यासी तो आपसे प्रेम करता है, हमारी भारत की जनता भी आपसे प्यार करती है। मैंने उनको साफ सुथरा रहना सिखाया। मैंने कहा रोज स्नान करना है, अपने घर को साफ रखना है, आपको पूजा पाठ करना है। उन्होंने साफ रहना प्रारंभ किया तो वो परिवार भी आज कई घुमंतु जातियों के परिवार हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद मैंने सर्वधर्म संभावना का काम किया। सर्वधर्म का काम करने पर मैंने वसुदेव कुटुंबकम की बात की, उसके लिए भी कई मंच साझा किए, कई धर्मगुरुओं के साथ में जुड़े। उसके बाद में मैंने आपके
बाबा साहब अंबेडकर के मिशन पे काम किया, और जितने भी अंबेडकर के मिशन पर चलने वाले मेरे भाई थे उनको मैंने एक बात बताई कि जिस प्रकार हम राम को मानते हैं, जिस प्रकार हम कृष्ण को मानते हैं, जिस प्रकार हम रविदास जी को मानते हैं, जिस प्रकार हम वाल्मीकि जी को मानते हैं, उसी प्रकार हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी मानते हैं। उन्होंने भी देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया है। उन्होंने को भी कहा कि हम आप भी सनातन के व्यक्ति हो, हम भी सनातन के व्यक्ति, हमारा धर्म एक है। उन भाइयों से भी मेरा काफ़ी लगाव है। आजकल कई लोग कई बार कहते भी है कि अम्बेडकरवादी संत वजनाराम। तो बाबा साहब अम्बेडकर को मैंने बहुत पढ़ा, और उन्होंने जो समाज के लिए काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात याद आती है, अब वो कहते थे कि वो समाज भी अपनी है जो खुले गगन में सोती है, उसका भी दुख अपना है जो भारत भूमि पर रहती है। उन गरीबों के लिए लड़ता हूँ मैं अम्बेडकर, इसीलिए तो सारी जनता साहिब साहिब करती है, मैं गरीबों का साहब हूँ, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, गरीब जनता के लिए काम किया। तो मैंने बाबा साहब के लिए भी काम किया। उसके बाद मैंने सेवा के संकल्प को ढूंढा, तो किसी ने मुझे मार्ग बताया कि स्वामी जी आपको राजनीति में आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले सोचा मुझे कौन सी पार्टी में जाना चाहिए, फिर मैंने कहा पार्टी में नहीं जाना चाहिए, पहले अपनी ताकत बतानी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। तो हमने सोचा, हमने कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस के लिए काम किया, वहाँ हमारी ताकत बताई, वहाँ मजबूती के साथ में मैंने राजस्थान में काम किया, मध्य प्रदेश में काम किया और महाराष्ट्र में काम किया। उसके बाद धारा 370 का फैसला आ गया, राम मंदिर का फैसला आ गया, तो फिर मैंने तीन जगह का मुझे और इंचार्ज बनाया, फिर मैं वहाँ गया नहीं कि भाई जब नरेंद्र मोदी जी सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं तो अपने को नहीं जाना चाहिए। तो मैं मेरे चुपचाप आश्रम में बैठा रहा और भक्तों के बीच में जाता रहा, सत्संग करता रहा, कार्यक्रम करता रहा। जब समय आया ये 2023 का चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के मंच पे चढ़ने से पहले मैं प्रतापपुरी जी महाराज के पास गया। मैंने कहा मैं आपका गुनहगार हूँ, मैंने आपके खिलाफ प्रचार किया, मेरे कारण आपको नुकसान हुआ, लेकिन एक संत कितना कोमल होता है। उस दिन मुझे पता चला, प्रतापपुरी जी महाराज ने मुझे गले लगाया और कहा आप मेरे भाई हो, और भाई भाई कभी अलग नहीं हो सकते हैं, आपको मेरी नामांकन रैली में आना है। और जब मैं उनके पास में गया तो उन्होंने मेरे को कहा मैं तो सभी जातियों को साथ में लेकर चलता हूँ और सबको मजबूत करना चाहता हूँ, मुझे तो राष्ट्र के लिए काम करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके विचार को सुना, मन में बहुत खुशी हुई। उसके बाद में जब ओटाराम जी देवासी मिले तो मुझे किसी ने बताया कि ये मोदी जी का मिशन है, हमें ओटाराम जी का भी सहयोग करना चाहिए। तो मैंने अभी ओटाराम जी देवासी का सहयोग किया है, आगे भी सनातन के लिए काम करता रहूँगा, और मजबूती में जहाँ भी देश हित की बात आएगी वहाँ खड़ा रहूँगा। और मेरा प्रथम लक्ष्य और शौक है कि मेरे भारत के जो युवा हैं वो सब आगे बढ़े, मजबूत बढ़े, हर तरीके से मजबूत हो, रोजगार से मजबूत हो, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, मानसिक स्थिति से मजबूत हो, तन की स्थिति से मजबूत हो। और उनके लिए कल्याण की भावना मैं आगे भी रखता रहूँगा और हमेशा रखता रहूँगा। जय श्री राम।